जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू तनुष्कर बायोलॉजी। और आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। ठीक है सर, बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन फ्रॉम हार्ट टू द होल बॉडी। तो बहुत इजीली मैं आपको बहुत ही ज़्यादा रॉ लैंग्वेज में और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा बहुत ही कम टाइम में सर्कुलेशन ऑफ हार्ट को, अब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को थ्रू हार्ट को। ठीक है, थ्रू हार्ट बेसिकली। ठीक है, तो हमारे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, उसमें हम लोगों को देखने को मिलता है डबल सर्क्यूलेशन। क्या देखने को मिलता है? डबल सर्क्यू लेशन। ठीक है, देखने को मिलता है डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये जो आपको एक बॉक्स जैसा, एक कमरे जैसा, एक रूम जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बेसिकली मैंने माना है कि ये हमारा हार्ट है। हाँ जी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? ओवरऑल 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। नहीं जानते तो अभी आपको मालूम चल गया कि हार्ट हैज टोटल 4 चैम्बर्स। 2 आर द अपर चैम्बर्स दैट आर कॉल्ड एज ऑरिकल एंड 2 आर द लोअर चैम्बर्स, दे आर कॉल्ड एज द वेंट्रिकल्स। ठीक है, अच्छा, तो ये है हमारा कौन सा, ये है हमारा लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है हमारा राइट ऑरिकल एंड दिस वन इज आर राइट वेंट्रिकल। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आ रहा है। ठीक है, अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे इसको रब कर दूं, अच्छे से बनाता हूँ लाइन। हाँ, तो आप ये अज्यूम कीजिए कि राइट, अज्यूम क्या कीजिए, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या, लेफ्ट ऑरिकल में क्या आ रहा है? ब्लड रिसीव कर रहा है ये। ठीक है, अभी सवाल मैं पूछेगा कहाँ से कर रहा है, बट धीरे धीरे करके सब कवर क्लियर हो जाएगा। अच्छा, रेड कलर का ब्लड आपको दिख रहा है, तो बेसिकली रेड कलर का है मतलब कैसा होगा? ऑक्सीजन रिच होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, यस और नो? ठीक है, जितना क्लियर है। ठीक है, इसके बाद लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, आ रही बात समझ? फिर लेफ्ट वेंट्रिकल इसको aorta के थ्रू, aorta क्या है, बेसिकली ओटा बोलते हैं इसको या फिर aorta बोलते हैं, ये क्या है, मेन आर्टरी है हमारी बॉडी की। ठीक है, दिस इज aorta, aorta, समझ गए बात को? ठीक है, फिर ये aorta के थ्रू ब्लड को पंप कर दिया जाता है किधर, ऑर्गन्स की तरफ। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑर्गन्स बनाता हूँ, बेसिकली बहुत सारे ऑर्गन्स ही बनाने हैं हमको, बस एक ऑर्गन बनाना है। और सपोज करो कि अपन ने ये बना लिया यहाँ पर ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ क्या जा रहा है, ब्लड जा रहा है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये क्या है हमारा ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन्स, डन। चलो, मेरे ख्याल से तुम लोग समझ गए होगे। ठीक है, अच्छा, हाँ, ये हो गया, ऑर्गन्स की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, बात समझ गए। फिर ऑर्गन्स की तरफ ब्लड गया, अच्छा, ऑर्गन्स का मेन काम क्या है, बेसिकली ऑर्गन करेंगे क्या इससे, ऑर्गन इससे लेने वाले हैं CO2, O2 को ले लेंगे, ऑर्गन्स क्या करेंगे इससे O2 को ले लेंगे, ऑक्सीजन रिच ब्लड था हमारा। ठीक है, इससे क्या करा ऑर्गन्स ने, O2 को अंदर ले लिया, और ऑर्गन्स ने इस ब्लड के अंदर क्या डाल दिया, इसके अंदर डाल दी CO2, क्या डाल दी CO2। अच्छा, अब ब्लड किस तरीके का होने वाला है, कैसा दिखता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमको दिखता है ब्लूइश कलर का, बचपन से अपन ने यही तो पढ़ा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हमारा रेड कलर का दिखता है। ठीक है, और जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड होता है वो कैसा दिखता है, हमारा ब्लूइश कलर का। तो बेसिकली यहां से इसमें क्या आ गई है, CO2 ट्रांसफर हो गई है, समझ गए बात को? अच्छा, अब ये CO2 जो है, अब ये कहाँ जाएगी, ये CO2 जाएगी हमारे हार्ट में। कहाँ, कैसे जाएगी भाई, देख लो। ठीक है, CO2 जाएगी राइट ऑरिकल से, राइट ऑरिकल से जाएगी राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगी अभी हम देखते हैं। उससे पहले हम एक एक चीज की यहाँ पर बात कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ये जैसे कि मेन आर्टरी जो थी हमारी बॉडी की वो aorta थी, वैसे ही जो मेन वेन होती है हमारी बॉडी की वो क्या होती है, वो होती है वीना कैवा। क्या होती है? वीना कैवा, समझ रहे हैं मेरी बात को, है ना, क्या होती है? वीना कैवा। ठीक है, वीना कैवा के थ्रू क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल से होता है वो राइट वेंट्रिकल जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल उसको कहाँ भेज देता है जी, देखो कहाँ भेजेगा, राइट वेंट्रिकल उसे भेज देता है, राइट वेंट्रिकल उसे भेज देता है लंग्स की तरफ।
किधर भेज देता है, लंग्स की तरफ। अब यहाँ पे हम बहुत ही सुंदर कलर से, ग्रीन कलर से बना लेते हैं, मानिए अपने लंग्स को, ठीक है। अच्छा, कहाँ भेज देता है, यहाँ पे लंग्स की तरफ, ठीक है। यहाँ मैं लिख दूं लंग्स, ठीक है, लंग्स है ना। लंग्स क्या करेंगे, इससे ये CO2 को ले लेंगे अपने पास, क्या करेंगे CO2 को ले लेंगे और क्या डाल देंगे वहां पर, इससे क्या करेंगे यहाँ से, अरे यार ग्रीन सिलेक्टेड है, चलो कोई इशू नहीं है, एक सेकंड बस, हाँ 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 ठीक है ना। ये क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे CO2 को ले लेंगे, इससे CO2 को ले लेंगे और क्या डाल देंगे इसमें, O2 को डाल देंगे और आगे क्या कर देंगे, सप्लाई कर देंगे, आगे क्या कर देंगे और इसमें क्या डाल देंगे, CO2 को डाल देंगे और आगे क्या कर देंगे, सप्लाई कर देंगे। समझ गए मेरी बात की, पूरी पूरी बात क्लियर हो गई, हाँ या ना। यही तो है सर्कुलेशन, और ये डबल सर्कुलेशन इसलिए कहलाता है क्योंकि एक बार जो ब्लड है वो हार्ट से ऑर्गन्स की तरफ फ्लो होता है, दूसरी बार हार्ट से लंग्स की तरफ फ्लो होता है, ठीक है। जब ब्लड हार्ट से है ना, हार्ट टू ऑर्गन जाए, हार्ट टू ऑर्गन्स जाए, तब आप समझ जाना इसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। और जब ब्लड हार्ट से बेसिकली है ना, हार्ट टू ऑर्गन जाए, सही है, फिर जब हार्ट से लंग की तरफ जाए, हार्ट से लंग्स की तरफ जाए, ठीक है, वो कहलाता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। हार्ट टू लंग्स दैट इज पल्मोनरी सर्क्यूलेशन। आ गई बात समझ आपको मेरी, हाँ या ना, ठीक है। होप आपको समझ आ गई होगी, बहुत ही इजी सा है ये सब कुछ, समझ गए। और इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट होने को कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकंड, कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकंड, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेरा ब्लॉक डायग्राम है, अगर आप इसको समझ गए हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, और इसको आप बार बार ड्रॉ करके खुद याद भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि कितना ईजी है, कितना ईजिली कर दिया। अच्छा, अब एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, यहाँ पर वो ये बता दूँ, उसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। आप इसको रिवाइंड करके अपनी कॉपी में बना भी सकते हैं और एडिट लिख भी सकते हैं, जैसा मैंने बताया, एक सेकंड। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि ये जो एक चीज आप याद रखिएगा कि एक तो आप समझ गए, ये ओटा थी हमारी मेन आर्टरी, ओटा या फिर ओटा बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद ये जो हमारा ये है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, ठीक है, इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, बेसिकली ये जो राइट वेंट्रिकल से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे किसकी तरफ लेके जा रही, लंग्स की तरफ लेके जाया जा रहा है। ये कौन लेके जाएगा, ये लेके जाएगी हमारी एक आर्टरी लेके जाएगी, और इसका नाम होगा पल्मोनरी आर्टरी। क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी, एक आर्टरी लेके जाएगी और इसको हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी बोल देंगे, ठीक है। और ये जो यहाँ ऑर्गन से, ये तो वो हो गया, ठीक है। और ये जो लंग्स से हार्ट की तरफ लेके आ रही है ये वाली जो हमारी वेन है, क्या है, ये हमारी वेन है, ठीक है। बेसिकली आपको आर्टरी और वेन का कॉन्सेप्ट पता है क्या, आर्टरी क्या होती है जो हार्ट से ऑर्गन तक जाए, और वेन क्या होती है जो ऑर्गन से हार्ट तक आए, समझ गए बात को, ठीक है। और ये क्या कहलाएगी, हमारी पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन क्यों बोला अपन ने, बिकॉज पल्मोनरी वर्ड किससे रिलेटेड है, लंग्स से रिलेटेड है, समझ गए मेरी बात को, है ना। यहाँ पे भी पल्मोनरी वर्ड किससे रिलेटेड है भाई, लंग्स से, क्योंकि ये हार्ट से किधर जा रही, लंग्स की तरफ, ठीक है। इन दोनों की खास बात क्या है, ये एक लौती पल्मोनरी आर्टरी, एक लौती ऐसी आर्टरी जो क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, समझ गए बात को। पल्मोनरी वेन एक लौती ऐसी वेन है पूरी बॉडी में जो कि क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, समझ गए। यही हमारा पूरा डबल सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट है। पूरी प्रोसेस को होने में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकंड। तो चलिए, होप आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ईजी बन सके। चलिए मिलेंगे कोई और टॉपिक के साथ अगली बार, बाय बाय, टेक केयर। Wow.